ए जासमैम वेलकम बैक टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वेरी नाइस लाइट मेकअप और ये एक कॉलेज मेकअप लुक होने वाला है मैं ये सोच रही थी कि मैं ये सारे प्रोडक्ट्स अगर मैं कॉलेज में होती तो शायद मैं यही प्रोडक्ट्स यूज करती मेकअप के लिए स्किन केयर के लिए और ंग टू रियली हेल्पफुल एंड इन्फोर्मेटिव फॉर यू साथ ही साथ आप अपना एक छोटा सा बहुत अच्छा सा कॉलेज मेकअप किट भी क्रिएट कर सकते हो कि मैंने पिछले हफ्ते लाइक लास्ट वीक आई पोस्टेडियो दैटी रियक्ट टू अ गर्ल वैंड शी वेयर मेकअप वैंड शी लुक स्टाइलिश वॉट कैन अर्सेप्शन कैसे उनको जज करते हैं लोग एंड आई वॉज रियली सरप्राइज बाय रीडिंग ऑल ऑफ यूर कॉमेंट्स उस वीडियो में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आके देखो

इससे बहुत अच्छी सी क्लीन लुक आ जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है चेहरा काफ़ी फ्रेश और क्लीन लगता है सो आई लव दैट और इफ यू हैव एनी अपर लिप्स यू कैन यू नो रिमूव इट विद द ट्वीज़र सो आई डोंट हैव टू मच ग्रोथ दैट्स दैट वुड बी माई स्टेप नंबर वन अगर वो ग्रोथ हो जाएगी ना तो आई वुड बी लाइक मैं दो तीन दिन पहले से अपने आउट पास को साइन करवाने के लिए अपने वार्डन के पास चली जाती थी उनके वार्डन के चक्कर काटने लगती थी कि मुझे किसी भी तरीके से इस वीकेंड पे आउटिंग चाहिए अगर मैं आउटिंग नहीं जाऊंगी दिस सैटरडे दिस संडे तो फिर मंडे को मुझे आ आग... आईब्रोज बड़ी आईब्रोज और अपर लिप्स के साथ ही कॉलेज जाना पड़ेगा और जो कि मेरे लिए हॉरेबल होता है आई कॉन्ट डू दैट लाइक या फिर मैं अपनी रूममेट को वो थ्रेडिंग करने के लिए बोल देती थी यू you नो know, हम लोग एक दूसरे का आईब्रोज अपर लिप्स एंड ऑल करते थे और खूब सारी सेविंग्स भी करते थे क्योंकि हमें आईब्रोज़ के लिए सेल नहीं जाना पड़ता था तो वी यूज टू डू दैट अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ट्वीजर तो इससे तो फुल आई ग्रोन आईब्रोज नहीं कर सकते बट थोड़ा थोड़ा वी कैन यूज डू दैट विद द टूज उस सेलॉन जाने के लिए मैं हमेशा वार्डन से कोई और बहाना करके आउट पास साइन करवाती थी बिकॉज मेरे कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था और सिर्फ सैलॉन जाने के लिए पार्लर जाने के लिए यू विल नेवर गेट आउटिंग ओके कभी नहीं मिलेगा सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक वैलिड रीजन लेट्स से कि यू कैन मेक अ रीज़न लाइक आई हैव टू विजिट बैंक देन ओनली दे विल साइन दैट आउट पास और उसके बाद ही आप हॉस्टल से बाहर जा सकते हो एंड अगर एग्ज़ाम का टाइम है तब तो आप आउटिंग भूल जाओ लाइक like, कुछ भी हो जाए आपको आउट पास नहीं मिलेगा फ्रॉम योर वार्डन कॉलेज टाइम में इतनी भागदौड़ होती है ऑटो से जाना रहता है या फिर अगर हौ... मैं तो हॉस्टल में रहती थी, थी तो आप समझ सकते हो चेन्नई में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है इतना ज़्यादा सन धूप आई कैन नॉट टेल यू तो मैं कॉलेज में बहुत टाइम थी सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई विल इंक्लूड इन अ कॉलेज मेकअप किट तो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ और मैं अब हमेशा यूज़ करती हूँ लाइक अ गुड गर्ल फरहाना सबरीना शी कॉमेंटेड ऑन माई प्रीवियस वीडियो कि दैट शी लर्न मेकअप फ्रॉम फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन एंड शी लर्न मल्टीपल मेकअप लुक्स जब उन्होंने मेकअप सीखा दें शी वॉन्ट टू प्रैक्टिस इट ऑन हर सेल्फ और जब वो प्रैक्टिस करके और वो कहीं बाहर बाहर जाती थी तो इट वॉज लाइक कि उनकी जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी उनकी सोसाइटी में जो लोग हैं दे आ, उन पर कॉमेंट पास करते हैं लाइक सम बैड कॉमेंट्स विच शी डेंट लाइक और लोग उनको कहते हैं कि उनकी फेस पे आटा लगा के कहाँ जा रहे लाइक पूरा आटा थोप लिया एंड समथिंग लाइक दैट आर रेड इन द कामेंट विच इज वियर्ड लाइक किसी को कोई राइट नहीं बनता यार कि कोई आ, अपने आ, कोई मेहनत कर रहा है लाइक like उन्होंने मेकअप सीखा है मेकअप ऑफ कोर्स इज अ आर्ट और जो नहीं जानते हैं मेकअप इट्स ओके आई एम नॉट से आपको क्यों नहीं आता मेकअप बट अगर कोई बंदी मेकअप सीख रही है एफ़र्ट्स ले रही है आपको पता होगा कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से मेकअप सीखते हैं तो यू हैव टू पे फॉर इट साथ ही साथ यू हैव टू गिव योर टाइम एफर्ट्स और आपकी इंटरेस्ट होती है आपके सपने होते हैं जब आप मेकअप सीखते हो एंड यू वी ऑल नो कि मेकअप बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं पाएगा और मेकअप प्रैक्टिस कैसे करोगे तो आप अपने फेस पे करोगे और फेस पे करोगे और बाहर जाओगे या फिर यू you नो know, उसको कैरी करोगे तो लोग कॉमेंट बहुत पास करते हैं हमारी सोसाइटी में ये बहुत होता है इफ़ यू लुक स्टाइलिश इफ़ यू लुक गुड इफ़ यू

उसकी वजह से काफ़ी वो काफ़ी वो, वो पर्सनली मुझे हार्म भी करता था तो अच्छे दिखते हो आप यूनिक लगते हो आप आप अलग दिखते हो और स्टूडेंट के कंपेरिजन में तो आपको आउट पास भी कम मिलेगा आउट पास विच मीन्स इफ़ यू आर अ हॉस्टलर यू हैव टू गेट एन आउट पास जिस पे वॉर्डन विल साइन एंड देन यू विल गेट दैट परमिशन टू गो आउटसाइड ऑफ द कॉलेज कैंपस एंड अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना हो सलोन जाना हो या किसी भी पर्सनल काम से कॉलेज कैंपस के बाहर जाना है देन यू हैव टू गेट दैट आउट पास एंड उसके लिए वॉर्डन विल बी सो यू नो आई आई कैन टेल दैट शी वॉज काइंड ऑफ जेलस आफ्टर माई सनस्क्रीन आई एम बी यूजिंग द स्पॉन्स गोल्ड ब्यूटी गोल्डन ग्लो बूस्टर पावर सेरम और फेस पर थोड़ी ग्लो चाहिए तो यू शुड यूज़ सम काइंड ऑफ ब्यूटी ऑयल एंड फेशियल ऑयल सो बस इसका मैं दो ड्रॉप्स लेकर अपने फेस पर अप्लाई करूंगी इससे बहुत अच्छी ग्लो आ जाएगी सो आई एम डूइंग दैट फॉर कॉलेज मेकअप लुक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूर स्किन शुड लुक वेरी हेल्दी एंड फ्रेश एंड रेडियंट सो दैट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी तो आप भी अपने मेकअप में कॉलेज मेकअप किट में एक ग्लो बूस्टर सेरम इंक्लूड कर सकते हो इट कैन भी फ्रॉम एनी ब्रांड्स इट्स नॉट नेसेसरी आई एम आस्किंग यू टू यूज द पॉइंट्स का गोल्डन ग्लो बूस्टर यू कैन यूज एनी ग्लो सेम दैट यू हैव आईव ऑलरेडी मेड अ शॉर्ट्स वीडियो कैन चूज ग्लो सेरम और समथिंग लाइक दैट आफ्टर द ग्लो बूस्टर एल बी यूजिंग पॉन्ट्स का बीबी क्रीम एंड बीबी क्रीम हेल्प्स टू जस्ट कवर एनी काइंड ऑफ ब्लेमिशेज एंड कोई रेडनेस है आपके फेस पे या कुछ भी एक्ने मार्क्स पिम्पल्स एंड ऑल है तो इससे काफ़ी अच्छी कवरेज भी मिल जाती है एज अ कॉलेज स्टूडेंट वी वॉन्ट सम लाइट कवरेज uh, but it should be natural so it's a very nice bb cream from pond so you can use that also so recently i i, I went in a wedding theek hai main apne ek relative ki shaadi mein gayi thi to shaadi mein jab wahan gayi to mere cousins the mere relatives the mere age ki ladkiyan thi wahan pe everyone was so happy and excited everyone सब लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को greet कर रहे थे welcome कर रहे थे और बहुत प्यार था दिन भर पूरा फिर आ, uh, शाम में क्या हुआ कि फ्यू गर्ल्स

लाइक दैट आई डिट है मेकअप एंड सारा कुछ हो गया तो मेरे साथ ऐसा हुआ गाइज कि आप आई होप बहुत लोगों के साथ ही ऐसा हो सकता है जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू लेट मी नोन द कॉमेंट सेक्शन एवर दिस हैपन विथ यू दिस नॉट द फर्स्ट टाइम फेसिंग दिस बट दिस इज द एग्जाम्पल दैट केम इन माई माइंड सबसे पहले तो सो so गाइज जब मैं शादी में रेडी होकर गई तो um, दे वे आर नॉट ट्रीटिंग मी प्रॉपरली मुझे समझ में नहीं कि ऐसा क्या हुआ अभी तो हम लोग मिल के एक घंटे दो घंटे पहले मिले हैं और एवरीथिंग वॉज़ फाइन पूरा दिन हमने साथ में बिताया वी आर चैटिंग वी आर हैविंग फन बट जैसे मैरिड ही होकर गई लाइक आई वॉज वेरी वेरी नाइस ड्रेस ज्वेलरी मेकअप एंड एवरीथिंग आई वॉज आई आई विल नॉट डिनाई दैट आई वॉज लुकिंग गॉडजियस एंड ऑल्सो एवरीबॉडी वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल इन देअर ओन वे बट मैं जैसे ही एंटर की तो वो लोग मेरे साथ ना बहुत ड oh, बिहेव करने लगे एक्चुअली दे आर माई रिलेटिव तो दे स्टार्टेड अवॉइडिंग मी दे स्टार्टेड इग्नोरिंग मी लाइक दे जस्ट नॉट कंफर्टेबल टू क्लिक पिक्चर्स विद मी आई डोंट नो वाई दे हैड दिस कॉम्प्लेक्स कि मैं अच्छी दिख रही हूँ वो नहीं है, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मैं नहीं लग रही एंड लेडर आई रियलाइज लाइक धीरे 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 आई केम टू नो कि उनको मेरे लुक्स से मेरी अपियरेंस से इतनी प्रॉब्लम होती है लाइक दे आर नॉट कम्फर्टेबल स्टैंडिंग बिसाइड मी और टेकिंग पिक्चर्स विथ मी और दे डोंट वॉन्ट मी टू बी इन द पार्टी क्योंकि सुबह से शाम तक सब कुछ ठीक था ये जस्ट एक डेढ़ घंटे में ऐसा क्या हो गया तो देट वॉज रियली ब्यर्ड तो आई वॉन्ट यू गाइज टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं है मेरे साथ तो ये कई बार हुआ है एंड देन आई लवट इट बिकॉज यू नो ऐसा नहीं होता कि सब लोग वैसे होते मैं फिर से यही बोलूँगी पर यार बिना बोले बिना सोचे लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते मुझे तो समझ में नहीं आता <laughs> कि कोई ऐसा इतना सेल्फिश कोई कैसे हो सकता है सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग द ब्यूटी स्पंज टू ब्लैंड दिस बी बी क्रीम एंड यू कैन सी द कवरेज बहुत ही नेचुरल है सो बीबी क्रीम के बाद आई एम गनिंग बी यूजिंग द क्रीम हाइलाइटर दिस इज़ फ्रॉम ई बार कॉस्मेटिक्स बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है तो आई थिंक कॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको ज़्यादा पार्टी मेकअप में यूज़ करना है तो यू कैन ऐड ज़्यादा क्वांटिटी एंड इससे बहुत अच्छी लुक आएगी सो आई एम जस्ट एडिंग दिस ऑन द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस टू एड सम ग्लो ठीक है मैं ब्रिज ऑफ द नोज पे भी अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे मैंने फेस को कॉम्पैक्ट से भी सेट नहीं किया है विदाउट सेटिंग माई फेस आई एम यूजिंग दिस क्रीम हाईलाइटर और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है यू कैन जस्ट यूज योर फिंगर और डैब 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 एंड ब्लेंड इट कैन यू सी द ग्लो लुक सो नेचुरल ना ऑल्सो गाइस इन माय प्रीवियस वीडियो आई रिसीव्ड अ कमेंट फ्रॉम मीना बुक डे आई एम सॉरी मीना आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम रॉन्ग तो मीना सी से चीज इन स्टैंडर्ड ट्वेल्थ आई गेस टेंथ और ट्वेल्थ लेट मी सी Huh. and she said that she studies in class 12th and uh, she's uh, like unka exam hai, and she gave her exam but she want to become a youtuber also

आप आपका अपने एग्जाम का आप टेंशन मत लो एग्जाम पहले क्लियर कर लो नेक्स्ट आई विल सेट माय फेस विद द कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट आप कोई सा भी यूज़ सक, यूज कर सकते हो मार्केट में बहुत सारे अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एंड आई थिंक कॉम्पैक्ट एक ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है जो अक्सर हर कॉलेज स्टूडेंट के पास होता ही है और उनके बैग में ही होता होगा सो कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं सेट कर रही हूँ अपने पूरे फेस को सर नेक्स्ट का इज़ आई वि माई आई ब्रोज विथ दू शुगर आईब्रो पेंसिल आपके पास जो भी आईब्रो पेंसिल है आप वो ले सकते हो अफोर्डेबल में एंड इसे मैं आईब्रोज़ फ़िल कर रही हूँ जब मैं कॉलेज में थी तो मैं अपने आईब्रोज कभी भी फिल नहीं करती थी मेरे आई एक्चुअली पहले ज़्यादा बेटर थे आई इन कॉलेज टू डार्क एंड बोल्ड बट द दैड पार्ट इज़ कि उस टाइम पे बोल्ड एंड ब्लैक आईब्रोज फैशन में होता ही नहीं था जिनके आईब्रोज पतले हों दैट वॉज इन फैशन एंड आई नेवर लाइक वेरी थिन वाला आईब्रोज तो मैं हमेशा कॉलेज में मोटा ही रखती थी बट इट यू नो इवन बेटर दिस वेन आई वॉज इन कॉलेज तो वेन आई वॉज इन कॉलेज मेरे फेसबुक के फ़ोटोज़ भी कुछ लोग ऐसे होते थे तो मुझे पता होता था ये लोग लाइक कभी नहीं करेंगे एंड दोस गर्ल दैन नेवर यूज़ टू लाइक माई फोटो और वो सेम चीज़ मेरे ऑफिस में भी कैरिड हुआ <laughs> ऑफ़िस में भी ऐसा ही होता है जब मैं फ़ोटोज़ डालती थी तो ऑफिस के भी कुछ लोग ऐसे हैं मुझे पता है कौन है तो दे विल नेवर लाइक योर फोटोज़ दे विल कीप चेकिंग योर स्टोरीज कंटिन्यूसली गुड लुकिंग फ़ोटोज़ देखते हैं तो इन मेकअप एंड गुड आउटफिट और हेयर स्टाइल और समथिंग लाइक दैर दिल फील जेलस और फेसबुक पे आपको लाइक्स नहीं मिलेंगे <laughs> सीरियसलीट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट एंड यू डू वट एवर यू लाइक ओके गो क्रेजी विथ योर मेकअप गो स्टाइलिश लुक ग्लैम और उसके साथ साथ आई वुड से अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी पे भी फोकस करो खुद को फ्री होना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में तभी आप आगे सोच भी सकते हो नहीं तो आप इन चीज छोटी छोटी चीजों में ही स्टक रहोगे और इन अ लॉन्ग रन दिस विल इम्पैक्ट यूर करियर ऑल्सो दिस विल इम्पैक्ट यूर पर्सनल रिलेशनशिप विथ पीपल ऑल्सो ये सारी चीजें आपके साथ भी होती होंगी और मैं यही बोलूंगी की लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू हैव इफ यू आर फेसिंग सेम थिंग ब्राउज आर डन नेक्स्ट वेयरिंग द ब्लश फ्रॉम कलर बार और कलर बार में बहुत अच्छी अच्छी कलर्स की ब्लश आती है तो कॉलेज में अगर आप थोड़ा फ्रेश लुक चाहते हो तो यू कैन बाय वन ब्लश सो ब्लश मेक्स यू लुक मोर प्रजेंटेबल अट्रेक्टिव एंड कलरफुल यूथफुल सो मैनी थिंग्स आई लव टू हेड सम ब्लश ऑन माई नोज सो क्विक मेकअप के लिए आई एम एल बी यूजिंग द सेम ब्लश टू कॉन्ट्रॉर माई आई लेड मेरी हुडेड आइज़ है तो मैं ब्लश से ही थोड़ी बहुत वार्म क्रिएट कर रही हूँ और मैं इसको अपने क्रीज़ पे एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ इफ़ यू यूज द सेम ब्लश ना दैट यू हैव यूज ऑन योर चीक्स एंड नोज एंड यहाँ पे आइज पे भी तो बहुत नेचुरल लगती है और बहुत फ्रेश सी लुक आती है अभी हम देख सकते हैं मेरे आईलेट पे बहुत अच्छी सी डेफ्थ आ गई है और मैं फिंगर्स से इसे थोड़ा अच्छे से स्मच कर लूंगी बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल लुक सो नेक्स्ट आई बी वेयरिंग द के ब्यूटी का काजल वेरी नाइस nice काजल पेंसिल बहुत देर बाद जाकर ये फैल भी सकती है सो आई स्मच दिस काजल आप चाहो तो अपने काजल को ब्लैक आई शेडो से भी सेट कर सकते हो टू तो जैसे कि ये स्प्रेड ना हो या फिर यू कैन ऑल्सो यूज अ कॉम्पैक्ट पाउडर अंडर नीथ माई काजल टू सेट दैट इससे जो है वो मेरी काजल स्प्रेड नहीं होगी इनर कॉर्नर्स एंड इन आउट कॉर्नर्स में सो नेक्स्ट स्टेप आई एम यूजिंग माई फेवरेट इंस्टा लिक्विड लाइनर अगर डेली लाइनर लगाते हो तो कम बजट में इससे अच्छा लाइनर कुछ नहीं होगा बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिलती है और बहुत लंबे टाइम तक एक लाइनर आपका काम चल जाएगा नेक्स्ट मस्कारा I love this mascara from Sugar. It's very nice mascara. And it's beautiful curl and also length uh, adds volume and length to your lashes. So next, I will outline my lips. I cannot skip on lip liners. If you want naturally beautiful in college, then always outline your lips. You can choose any color of pencil, whatever you like. मेनी गर्ल्स हु डोंट वेयर लिपस्टिक इन कॉलेज सम पीपल ओनली लव टू वेयर द टिंटेड लिप बाम तो आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन गो अड एंड यू कैन डू दैट अ ब्यूटिफुल मॉव पिंक शेड फ्रॉम मामा अर्थ बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल लिपस्टिक है लुक्स वेरी सैटल ऑन द लिप्स आई एम वेरिंग द कलर आई लव द शेड सो गाइज येयर इज द फिनिश लुक ऑफ कॉलेज मेकअप एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग टूडेज वीडियो एंड माई गपशप विथ यू जो भी प्रोडक्ट्स मैंने शेयर करा है उसका लिंक आपके उसका नेम्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो एंड द मेन थिंग इज कि सनस्क्रीन आई नेवर यूज टू वेयर सनस्क्रीन ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम बट आई लर्न वेयरिंग इट एज अ ब्यूटी ब्लॉगर आई थिंक आई लव माय स्किन मोर तो मेकअप सीखना इतना आसान नहीं है क्योंकि मेकअप सीखने के लिए आपको पहले अपने फेस पे मेकअप करना होगा कॉन्फिडेंटली करना होगा मेकअप करके घूमना होगा फोटोज़ डालना होगा एंड बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे जलेंगे चिढ़ेंगे आपका मजाक उड़ाएंगे आप पता नहीं क्या क्या तो यू हैव टू बी स्ट्रॉग यू हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स यू हैव टू डू वॉट यू लव क्योंकि एक लाइफ मिली है वाई नॉट लेट्स टू मेकअप लेट्स स्टाइल आर सेल्फ जिस चीज़ में दिल लगता है वो करो सो आई वुड लव टू हियर सम मोर स्टोरीज फ्रॉम यू गाइज आप लोग क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो वैन यू स्टार्टेड लर्निंग मेकअप वेन यू डू मेकअप इन पब्लिक प्लेस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड यू सी माई नेल्स है ओके इट लुक्स गुड नाउ विथ माई टी शर्ट आई एम वेरिंग दिस नेल्स सो एनी वे यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इंस्टा का भी लिंक वहीं नीचे में मिलेगा तो आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड आई विल सी यू ऑल सोन इन माई नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर स्टे सेफ लव यू ऑल बाई लास्ट में मैं यहाँ पे एक क्यूट सी क्लिप लगा रही हूँ